हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहा हूँ मैं हल्द्वानी और कल जाऊँगा गांव के लिए, क्योंकि गांव में शादी है। तो यहाँ आया था रानीखेत भैया के घर। अब जाते हैं गाड़ी का सफ़र और सोते हैं, पहले यहाँ से गाड़ी वाड़ी लेते हैं, मार्केट तक जाते हैं और मार्केट के बाद बस में बैठते हैं या फिर गाड़ी में ही जाएंगे, जो भी कुछ मिलेगा उसमें जाते हैं। बाकी ये है यहाँ की कॉलोनी, थोड़ी बहुत दिखाता हूँ आपको, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। जाते जाते सफ़र भी दिखाना आपको, तो चलते हैं, थोड़ी बहुत कॉलोनी दिखाता हूँ और फिर मिलते हैं आपको बढ़िया से सफ़र में। और ये ब्लॉग आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, तो चलते हैं और मस्त से इंजॉय करते हैं सफ़र को और आपको दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया व्यू उत्तराखंड के पहाड़ों में, कैसे व्यू आते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो दिखाएंगे सब। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको फिर सीधे हल्द्वानी में। और ये है यहाँ पे रानीखेत की जल निगम कॉलोनी। और ये देखिए भैया जा रहे हैं आगे से, मैं और भैया जा रहे हैं यहाँ से। बाकी रानीखेत से दीदी भी है और बड़ी मम्मी है और एक बहन है, तो कल सुबह निकलेंगे ट्रेन से, तो वो सब आपको ब्लॉग मिलता रहेगा। बाकी चलते हैं, फ़िलहाल तो गाड़ी वाड़ी लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं हल्द्वानी में। ये है छोटी कॉलोनी, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक ठाक ही है। सो गाइस, मिलते हैं आपको बढ़िया से सफ़र में, अभी फ़िलहाल चलते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं यहाँ से और फिर मार्केट जाना है, मार्केट से फिर लेनी गाड़ी, फिर चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे बढ़िया सफ़र गाड़ी में बैठ के। मिलते हैं फिर आपको आगे व्लॉग में। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं यहां पे केमू बस स्टेशन पे, तो यहां से गाड़ी वाड़ी देखते हैं, गाड़ी मिलेगी तो जाते हैं, फिर आपको बढ़िया से सफ़र दिखाएंगे। बाकी आपको दिखाता हूं यहां का केमू स्टेशन कैसा है। तो ये है यहां का केमू स्टेशन। तो ये है रानीखेत का केमू स्टेशन और ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो देखते हैं रोडवेज कब तक आती है, फिर आपको मिलता है बाद में, जब रोडवेज आ जाएगी बैठ जाएंगे, फिर मिलते हैं आपको अच्छे से सफ़र में। तो फाइनली गाइस, गाड़ी मिल गई थी, अब जाते हैं हल्द्वानी में, पहुँचेंगे शाम को, देखते हैं 7:30
तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, और ये है हल्द्वानी का रोडवे स्टेशन, बस स्टेशन। आपको दिखाते हैं थोड़ी देर आगे, अभी थोड़ा आगे को जान लो तब दिखाता हूँ आपको हल्द्वानी का बस स्टेशन। बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, तो चलते हैं पहले घर, फिर आराम करते हैं थोड़ी देर और आपको दिखाते हैं घर का सफ़र अपने। और ये है हल्द्वानी का बस स्टेशन। ये देखिए बसें लगी यहाँ पे सारी देहरादून की और जगह की, रुद्रपुर वगैरह की। हम मिलते हैं सीधे आपको घर में। अब सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख रहे हो। और सामने वाली कॉलोनी में ही मेरा घर है, तो घर जाते हैं। आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट होगा 5 बजे से, क्योंकि सुबह की 5 बजे की ट्रेन है देहरादून की, तो उसमें जाएंगे और मिलेंगे आपको देहरादून के सफ़र में और सीधा गाँव। ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल तो चलते हैं घर, फिर देखते हैं अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हाँ, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और तो फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और यहाँ लाइट थोड़ी है नहीं, अंधेरा है, देख सकते हो आप, पूरा अंधेरा हो रहा है। और ये है हमारा छोटा सा सरकारी क्वार्टर। आपको तो बताइए कैसा होता है सरकारी क्वार्टर, मैंने पहले भी आपको दिखा चुका था। ये है, चलते हैं घर में। और ये है सामने स्टेशन, देख सकते हो। बाकी ये छोटी मोटी कॉलोनी है हमारी यहाँ पे, देखते हैं फिर आपको अगर कुछ होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और आप अपना ऐसा ही प्यार देते रहना ताकि मैं आगे आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट ढूंढता रहूँगा। और फिलहाल तो जा रहे हैं हम शादी में, तो आपको मिलेगा अब शादी का ब्लॉग सीधा।